Lava, a small village in the district of Kalimpong. At an altitude of 72,000 meters above the sea level, turns out to be a major tourist destination. Well, in this previous lockdown, our life gets so boring that we really need to have some refreshment. And on a sudden plan, we went to Lava. अब लावा मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर है, पर फर्स्ट इनिशियल 100 किलोमीटर इतना खास नहीं है क्योंकि प्लेन रोड्स है, बट यस आफ्टर क्रॉसिंग द इनिशियल 100 किलोमीटर वी गॉट इनटू द डेंस लाटागुड़ी फॉरेस्ट। लाटागुड़ी फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल के एक काफी पॉपुलर फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के हैबिटेट है। इस रास्ते के साइड में कभी कभार आपको वाइल्ड एनिमल्स स्पॉट होते हुए देखने को मिलेगा, बट इन दिस ट्रिप वी वर नॉट सो लकी टू स्पॉट एनी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, बट यस इस रास्ते के साइड में आपको एलिफेंट्स, बाइशंस, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिल सकता है। सो राइट नाउ वी जस्ट एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट ऑफ लाटागुड़ी एंड जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ दिस नेचर। काफ़ी दिनों बाद इतना बेहतरीन साउंड सुनाई दे रहा है एंड वी आर सो अमेज्ड टू हियर दिस साउंड। ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ते से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो कार्स है, जो फॉरेस्ट सफारी करवाते हैं, जो जिप्सीज, इन कार्स के साथ आप लोग इस रास्ते से जो है फॉरेस्ट सफारी कर सकते हैं। लाटागुड़ी में आप लोग एलिफेंट राइड एज वेल एज जो है जिप्सी से फॉरेस्ट में सफारी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार लाटागुड़ी में फॉरेस्ट सफारी किया है, तो यस अगर आप लोग फॉरेस्ट सफारी करते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं। अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो आप लोग लाटागुड़ी में होम स्टेज एज वेल एज होटल्स आपको मिल जाएगा, इधर पे आप लोग स्टे करके जो है इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यस आफ्टर क्रॉसिंग द लाटागुड़ी फॉरेस्ट आपको काफ़ी बेहतरीन टी गार्डन्स देखने को मिलेगा रास्ते के दोनों साइड पे, एंड यस इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यस हम लोग डिसाइड किए हैं कि इस टी गार्डन के साइड पे अपना लंच कंप्लीट करेंगे। सिंस द लॉकडाउन जस्ट गॉट ओवर, शॉप्स उतना ज़्यादा खुला नहीं है, तो हम लोगों ने अपना लंच खुद लाया है। तो यस हम लोग इधर पे अपना लंच कंप्लीट करेंगे एंड हेडिंग टूवर्ड्स द माउंटेन। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड फाइनली जो है हिल्स दिखने लगा है। सो यस ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ता काफ़ी क्राउडेड और काफ़ी ट्रैफिक रहता है यूजुअली, बट सिंस द लॉकडाउन जस्ट गॉट ओवर रास्ते में उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, विच इज़ ए गुड थिंग व्हाइल ड्राइविंग द कार। Well, I have been to Lava couple of times, but this time it was quite more adventurous than the previous one, क्योंकि इस बार मैं अपना इको स्पॉट को खुद ड्राइव करके ले जा रहा हूँ। लावा जाने वाला जो रास्ता है काफ़ी वाइड है, इस रास्ते में आपको काफ़ी कम स्लोप्स देखने को मिलेगा एंड मोर ओवर जो रास्ता का जो ब्यूटी है काफ़ी बेहतरीन है। मोर ओवर आज के जो वेदर है काफ़ी बेहतरीन है, क्लाउड्स है एंड इट्स क्वाइट सन। लावा जाते हुए आपको रास्ते में काफ़ी सारे हिली टी गार्डन्स देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर विलेजेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग लगभग 160 किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड फाइनली वी जस्ट स्टॉप बाय दिस ब्यूटीफुल नियर बाय रिवर साइड एंड मोर 40 किलोमीटर हिली रोड अभी भी लेफ्ट है, तो इधर पे थोड़ी सी रेस्ट करते हैं एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द लावा। लावा जाने के पहले एक छोटी सी पिकनिक स्पॉट मिलेगा विच इज द गोरुबथान, तो गोरुबथान होके हम लोग सीधा लावा चले जाएंगे। तो
तो हम लोगों ने जस्ट गोरू मदन क्रॉस किए हैं। जो रोड कंडीशन है लाभा जाने की और कालिम्पोंग जाने की काफ़ी बेहतरीन है। ये जो वीडियो फुटेज आप लोग देख रहे हैं ये लगभग एक साल पहले की वीडियो फुटेज है और मैं रिसेंटली अपने कालिम्पोंग ट्रिप कंप्लीट करके आया थ्रू दिस रोड। रोड कंडीशन अभी काफ़ी बेहतरीन है। उस टाइम में थोड़ी सी लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड कंडीशन कुछ जगह में उतना बेहतरीन नहीं था, बट नाउ अब जो रोड कंडीशन है काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लोग लाभा जाते हैं एंड कालिम्पोंग जाते हैं तो इस रोड को जरूर आप लोग प्रीफर कीजिए। ये लोग रोड काफ़ी आपको सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करेगा और रोड काफ़ी वाइड है और जो इंक्लाइंट है वो काफ़ी कम है, तो आपको काफ़ी बेहतरीन फील होगा व्हाइल ड्राइविंग इन दिस टाइप ऑफ हिली रोड्स। सो फाइनली वी ऑलमोस्ट रीच्ड लाभा एंड इट्स ओनली 2 to 3 kilometers अवे फ्रॉम द लाभा एंड जस्ट लुक एट द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इधर पे आप लोगों को पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा एंड द क्लाउड्स आर कवरिंग दिस पाइन फॉरेस्ट। तो ये जो इधर का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। सो नाउ वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द लाभा मोनेस्ट्री एंड द लाभा मार्केट। सो वी जस्ट पार्क द कार एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द लाभा मार्केट। लाभा में एक मोनेस्ट्री है विच इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस इन लाभा, बट येस जो मोनेस्ट्री है अभी भी बंद है ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। लाभा में अभी भी कोई होटल्स या फिर अभी कोई रेस्टोरेंट्स अभी खुला नहीं है, तो वी कान स्टे टूडे इन लाभा, सो वी विल बी रिटर्निंग होम। बट अभी के टाइम पे अगर आप लोग लाभा आते हैं तो आपको जो है होम स्टेज एंड जो होटल्स है वो अभी भी आपको खुला मिलेगा कंपेयर टू दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक। लाभा में अभी कोई इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अगर आप लोग अभी लाभा आने चाहते हैं तो आ सकते हैं। Time in Lava. Now we will be heading towards our home. तो अगर आप लोग लाभा आने की प्लान कर रहे हैं तो अगर आप लोग लाभा आते हैं तो इधर पे आप लोग वन नाइट स्टे कर सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट डे इधर से नेवरा वैली नेशनल पार्क होते हुए सांगे फॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग ऋषभ जा सकते हैं, इच्छेगांव जा सकते हैं। मैंने एक रिसेंट ट्रिप किया था टूवर्ड्स द कालिम्पोंग जहाँ पे मैंने इन सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है एंड आई विल बी सून पोस्टिंग दिस वीडियो इन दिस चैनल। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। एंड येस अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो येस नाउ विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अवर होम एंड होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल। स्टे सेफ एंड आई विश टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।